नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ सुरक्षा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी निःशुल्क सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो विषय है विवाद सुलझाने के वैकल्पिक प्रावधान क्या हैं, और इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। विषय एक बार फिर हम आपको बताते हैं, विवाद सुलझाने के वैकल्पिक प्रावधान क्या हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फोन लाइंस खुल चुकी हैं और टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप सीधा सवाल हमसे कर सकते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ बेहद खास मेहमान राजेश लाठीगरा जी है हमारे साथ हैं। आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीके क्या हैं और इसकी कानूनी मान्यता है क्या कहते हैं। देखिए, वैकल्पिक अगर विवाद सुलझाने के तरीके की हम बात करते हैं तो उसमें आर्बिट्रेशन होता है, कंसिलेशन होता है, लोक अदालत होती है, प्री बार्गेन होती है, मीडिएशन होता है, काउंसलिंग्स होती है अलग अलग तरह की। इस तरह के कई सारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा आप अपने किसी भी तरह के डिस्प्यूट को, ज़्यादातर सारे सिविल मैटर्स होते हैं और जो 320 CRPC के अंदर छोटे ऑफेंसेस कवर्ड होते हैं वो सारे ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंसेस भी आप उसमें 320 CRPC के तहत जो ऑफेंसेस हैं वो भी आप अपने सेटल करा सकते हैं। उसके भी मेथड हैं जिसके अंदर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट है 1987 का, जिसके तहत नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसके तहत, उसके बाद उसके अंडर में जितनी भी स्टेट्स गवर्नमेंट है, स्टेट हर एक स्टेट की अलग अलग लीगल सर्विस अथॉरिटीज होती हैं। जैसे दिल्ली में दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी है, यूपी में यूपी लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जिसके तहत एक रेगुलर इंटरवल पे लोक अदालतों का ऑर्गेनाइज की जाती है जी। सेक्शन 19 इस एक्ट का जो सेक्शन 19 है उसके तहत, और उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर बहुत एक दिन के अंदर जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर ये ऑर्गेनाइज की जाती है लोक अदालत, जैसे अभी 8 जुलाई 2017 को की गई थी लास्ट टाइम, जिसके अंदर एक ही दिन के अंदर लाखों मुकदमों का समाधान कर दिया जाता है, चाहे वो पेंडिंग केसेस हो, चाहे वो प्री लिटिगेशन स्टेज पे हो। जैसे जो 8 जुलाई को लोक अदालत ऑर्गेनाइज हुई थी उसके अंदर करीब करीब 10 लाख केसेस का डिस्पोजल हुआ, जो एक डाटा है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर, जिसमें 5.5 लाख पेंडिंग केसेस थे और 4.5 लाख के करीब प्री लिटिगेशन स्टेज के केसेस थे, उनका डिस्पोजल हुआ, जिसमें 2900 करोड़ का सेटलमेंट करीब करीब हुआ है पूरे देश के अंदर एक ही दिन के अंदर। जिस तरह से इतनी लंबी पेंडेंसी के केसेस जो पेंडिंग रह सकते थे वो एक दिन के अंदर समाधान हो गया, वो एक बेहतर विकल्प रहता है। जो भी लिटिगेंट कोर्ट में जाते हैं अपना मुकदमा लड़ते हैं उनको इन विकल्पों के ऊपर जरूर विचार करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर इस विषय से संबंधित कोई सवाल आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन अगर आपके जहन में है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं, फोन लाइन्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं और जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं, अपना सवाल रख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीके क्या हो सकते हैं और कानूनी मान्यताओं के बारे में। अभी राजेश लाठीगरा जी बता रहे थे, लोक अदालत और मेडिटेशन सेटलमेंट में अंतर आप किस तरीके से देखते हैं। देखिए, अगर लोक अदालत की हम बात करते हैं तो वो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट जो है उसके तहत गठित की गई हैं, और उनका गठन जो है टाइम टू टाइम एक रेगुलर इंटरवल में होता है, जिसमें
पेंडिंग केसेस भी आ सकते हैं और प्री लिटिगेशन जो लिटिगेशन में नहीं है वो केसेस भी आप वहां पर ला सकते हैं और अपना समाधान डिस्प्यूट का करा सकते हैं। एक तो बेसिक चीज इसके अंदर ही है और जो मीडिएशन होता है वो 89 सेक्शन 89 सीपीसी का है जिसके तहत अगर कोर्ट को लगता है कि उसमें रूल्स फ्रेम किए गए हैं मीडिएशन एंड कंसिलिएशन रूल्स हैं जो जिन रूल्स के तहत सारा प्रोसीजर होता है उसके अंदर उसमें मीडिएटर अपॉइंट होते हैं जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग ही होते हैं एडवोकेट्स होते हैं और उसके अंदर जज इंचार्ज होते हैं जो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं उनकी देखरेख में सारा ये प्रक्रिया चलती है और जो मीडिएटर होते हैं वो असिस्ट करते हैं पार्टीज को। इसे वॉलंटरली होता है, कोई दबाव किसी तरह का नहीं होता पार्टीज के ऊपर, वो सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं अपनी बैठ के कि हम इस तरह से समाधान कर सकते हैं। और जो मीडिएटर होते हैं वो वेल स्किल्ड, बहुत ही उनको ट्रेनिंग दी गई होती है कि किस तरह से आप पार्टी को एक एमिकेबल सेटलमेंट पे लाके उनका समाधान करा सकते हैं। जो चीजें वो एक डिस्प्यूट और ईगो क्लैश हो रहा होता है उसको दूरियां बिठाने की कोशिश करते हैं और इसमें बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर फैसला हो जाता है। और ये एक मीडिएशन जो प्रोसीडिंग होती है क्योंकि ये है जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन पाती क्योंकि ये एक आउट ऑफ कोर्ट जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं कराते, ये मीडिएटर कराते हैं। उसका जो सेटलमेंट रिकॉर्ड कराते हैं वो लोग, उसका रिकॉर्ड होने के बाद वो कोर्ट में जो रेफरेंस जिस कोर्ट से आया होता है उसी कोर्ट में वापस भेजते हैं, वहाँ दोनों पार्टीज की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, उसके बाद वो प्रॉपरली दोनों पार्टीज बाउंड होती है। जहाँ तक लोक अदालत का सवाल है, लोक अदालत के अंदर जहाँ पर आपका सेटलमेंट हो गया, क्योंकि लोक अदालत में जो प्रिजाइड करते हैं वो लोक अदालत में जुडिशियल ऑफिसर्स ही करते हैं और मेंबर्स होते हैं उसी तरह के, तो वो वहाँ पर अवार्ड पास करते हैं, तो वो एक तरह से फाइंडिंग और कंक्लूसिव प्रोसीडिंग होती है लोक अदालत की। उसके अंदर भी फोर्स किसी को नहीं किया जाता, असिस्ट किया जाता है और लीगल पहलू बताया जाता है, कुल मिलाकर वही मध्यस्थता कराने की कोशिश ही होती है दोनों में, लेकिन एक प्रॉपर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं और फिर और भी बारीकियां हम समझने की कोशिश करेंगे। आलोक हमारे साथ फरुखाबाद से हैं। आलोक जी बहुत स्वागत है, आशुतोष जी माफ कीजिएगा, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कीजिए। जी हेलो, जी जी, जो शिक्षा मित्रों की जजमेंट आया है इसके बारे में जानना था आगे क्या प्रोसेस है, इसमें क्या आगे हो सकता है। राजेश जी, जो 1,33,000 लोगों की जो जी आज शिक्षा मित्रों को लेकर जो फैसला आया है उसको लेकर ये जानना चाह रहे हैं कि अगला स्टेप इन शिक्षा मित्रों को क्या कुछ उठाना चाहिए, क्योंकि अब कह दिया गया कि टीटी करना अनिवार्य है 2 साल का वक्त। उसमें जरा अभी मेरी उसमें मैंने स्टडी नहीं किया तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। जी चलिए, बिल्कुल आशुतोष, हम आप तक लिखित तौर पर इसका जवाब भेजने की कोशिश जरूर करेंगे कि अगला कदम क्या हो सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन अगर आपके जहन में है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना सीधा सवाल हमसे कर सकते हैं। फोन लाइन्स खुली हुई हैं और टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। विषय हमारा आज का विवाद के वैकल्पिक समाधान क्या हैं, तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको राहत मिल सकती है, इससे जुड़ा भी अगर कोई प्रश्न आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमसे सीधा सवाल कर सकते हैं। राजेश लाठीगरा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इन समाधानों की प्रक्रिया क्या रहती है? राजेश लाठीगरा जी, जी जो समाधान होता है जैसे अगर लोक अदालत में होता है तो लोक अदालत में जितने भी मैटर्स होते हैं चाहे वो पार्टीशन सूट्स हो, सिविल सूट्स किसी भी तरह के हो, इंजंक्शन सूट्स हो या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई मैटर हो, किसी भी तरह का कोई भी मैटर जो आता है वहाँ पर, उसमें प्रॉपर पार्टीज को गाइड करके और उनको समझा के और उनको सारे लीगल पहलू बता के उनका एक जो समाधान होता है उसको एक अवार्ड की फॉर्म में बनाया जाता है और वो बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज के ऊपर और वो उसका कोई अपील वगैरह नहीं हो सकती अंटिल और अनलेस कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस ना हो। वो एक फाइनल प्रक्रिया होती है और उससे गुजरने के बाद आपका सारा जो डिस्प्यूट होता है वंस फॉर ऑल सेटल हो जाता है। और जहाँ तक मीडिएशन की बात है, मीडिएशन प्रोसेस ऐसा होता है कि दोनों पार्टीज जब कोर्ट में किसी पेंडिंग लिटिगेशन में होती है और वो अपनी इच्छा जाहिर करती है कि हम इसमें सेटलमेंट करना चाहते हैं या हमारे कोई पॉसिबिलिटीज है, दोनों पार्टी जब एग्री करती है या कोर्ट को लगता है कि इसमें कोई पॉसिबिलिटी है सेटलमेंट होने की, तो वो एक रेफरेंस के तौर पे उसको बना के मीडिएशन सेल में भेजा जाता है और मीडिएशन सेल के अंदर एक मीडिएटर अपॉइंट होता है, उसके अंदर दोनों पार्टीज को अलग अलग सिटिंग्स दी जाती है, जॉइंट सिटिंग्स होती हैं, उनको अलग अलग सुना जाता है, उनके काउंसल्स भी रह सकते हैं उनको असिस्ट करने के लिए पार्टीज को, तो वो एक और 4-5 हियरिंग हो सकती है, उसके अंदर डेट्स पड़ सकती है क्योंकि मीडिएटर 3 महीने तक अपने पास मैटर रख सकते हैं और उसके बाद
कोई अगर उनका सेटलमेंट हो जाता है जे. तो वो उस सेटलमेंट को रिकॉर्ड करते हैं सेटलमेंट की फॉर्म में और उसको फिर जिस कोर्ट से रेफरेंस आता है उस कोर्ट में वापस भेजते हैं, वहाँ पर उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है. चलिए एक और दर्शक हमारे साथ बबलू जी जुड़ गए हैं. आप बुलंदशहर से हैं. बबलू जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए. नमस्कार जी. नमस्कार सर. हमारा भी एक ऐसा मामला है सर. हमारी एक फूफी है जी. जी उनके घर वाले जो हमारे फूफा जी लगते हैं वो खत्म हो चुके हैं. एक ही लड़का है उनका, बहुत सीधा सा जी. उनकी शादी एक करीब करीब 3 किलोमीटर गांव दूर है, वहां से उनकी शादी हो गई थी. शादी हो गई 3 साल. और सर एक उन्होंने तो हमने वो लड़की चली गई, उसके माँ बाप जो है वो थोड़े से वैसे टाइप के हैं सर. वो ये चाहते हैं इस परिवार में इस घर में मेरी चले, जो भी कुछ करूं मैं करूं. तो आप चाहते क्या? सीधा सवाल बबलू कीजिए. आप सीधा सवाल कीजिए. दिक्कत अच्छा क्या है, आप समाधान क्या चाहते हैं? ये ऐसा दिक्कत वो लड़की को नहीं भेजते और उन्होंने केस भी डाल दिया है दहेज का जी जी. और हमने खूब गांव के बहुत लोग ले जाके, आसपास के लोग भी ले जा करके खूब कोशिशें कर ली, लेकिन वो लड़की को भेजते नहीं है माँ बाप. ठीक है राजेश जी. इसके अंदर देखिए आप सेक्शन 9 है हिंदू मैरिज एक्ट का, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, इसका एक लीगल नोटिस दीजिए उनको और उसमें पूरे सरकमस्टांसेस बताइए किन सरकमस्टांसेस में आपकी इनकी वाइफ जो है ये चली गई है. आपका कोई कसूर नहीं था, आपको बिना बताए चली गई या कोई ऐसा कारण नहीं था जिस वजह से उनको जाना पड़े, तो वो सरकमस्टांसेस बता के उनको वापस बुलाने का एक नोटिस दीजिए जिसमें आप हर पहलू को जो भी आपका आपकी साइड है जो आपका पक्ष है वो उसमें रख के आप उनको एक सिंपल तौर पर आप उनको वापस बुलाने का लीगल नोटिस दीजिए. अगर वो लीगल नोटिस के बाद भी नहीं आती या कोई जवाब आता है उनका, उसके बाद आप सेकेंड स्टेप है कि आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पर सेक्शन 9 का दावा लगा सकते हैं उनको वापस बुलाने का. पहला स्टेप आप ये कर सकते हैं. और दूसरा स्टेप है जहाँ पर ये मैटर गया है, जो उन्होंने केस डाला है दूसरी पार्टी ने, वहाँ पर आप जाके उसमें सेटलमेंट या मीडिएशन के तरीकों पे जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें जाके वहाँ पर समाधान भी करा सकते हैं जिस तरह का हो. उसमें वो वापस भी आ सकती है या दूसरा विकल्प अगर नहीं ऐसा कोई पॉसिबिलिटी लगती तो आपका डाइवोर्स वगैरह जो भी वो सेटलमेंट पे राजी होते हैं वो हो सकता है आपका. चलिए बिल्कुल उम्मीद करते हैं बबलू जी आपका जो सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा. हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी दिक्कत आपके सामने है, कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए. फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं. इन नंबर्स पर कॉल करके आप सीधा सवाल हमसे कर सकते हैं और किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. राजेश जी, प्री लिटिगेशन सेटलमेंट आखिर कैसे कराया जाता है? प्री लिटिगेशन सेटलमेंट उसको कहते हैं जहाँ पर आपका लिटिगेशन चालू नहीं हुआ. आपका कोई विवाद है किसी पार्टी से, चाहे कोई आपके प्रॉपर्टी में बैठा हुआ है, ट्रेसपासर बन के बैठा है या आपका परमिसिव पोजीशन में है और वो नहीं खाली कर रहा, लेकिन आप जाके उनसे सेटलमेंट की बात करते हैं वो तैयार हो जाते हैं सेटलमेंट करने को. लेकिन अब ये आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं तो उसमें बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है, कानूनी अड़चनें बाद में लेटर स्टेज पे आ सकती हैं और इस तरह के बहुत सारे सरकमस्टांसेस होते हैं जिसमें आप सेटलमेंट तो करना चाहते हैं लेकिन मुकदमा कोई नहीं है आपका. तो उसके अंदर जो भी आपकी जो कंसर्न ज्यूरिडिक्शन की लीगल सर्विस अथॉरिटी है वहाँ पर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है दोनों पार्टीज को या एक पार्टी को कि हम सेटलमेंट पे राजी हैं या हम सेटलमेंट कर सकते हैं, इस तरह का हमारा डिस्प्यूट है, पूरा आप डिस्प्यूट लिख के. तो वो जब भी लोक अदालत नेक्स्ट लगती है तो वो लोक अदालत में सारा आपका जो भी मामला होता है वो दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, उनको सुना जाता है, उनको सारी पॉसिबिलिटीज बताई जाती है और जो सेटलमेंट आपका होता है वो प्रॉपर एक रिकॉर्ड करा दिया जाता है. वो एक जुडिशियल प्रक्रिया है, उसके तहत आपका सारा सेटलमेंट प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाता है, उसमें दोनों पार्टीज को वो बाइंडिंग हो जाता है, उसमें आगे फिर डिस्प्यूट का कोई चांस रहता नहीं है. तो इस तरह का प्री लिटिगेशन होता है जिसमें आपका मुकदमा नहीं है लेकिन आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तब भी आप आ सकते हैं कोर्ट के अंदर और ये सेक्शन 20 में डिफाइन किया गया है जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है 1987 का, उसके तहत आप लगा सकते हैं. और उसमें अगर आपका नहीं भी होता प्री लिटिगेशन में तो फिर आपको वहाँ पर जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि आप ये प्रॉपर रेमेडी जो भी आपकी सिविल कोर्ट में जैसे भी बनती है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. चलिए बिल्कुल एक और दर्शक राजस्थान से प्यारे लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं. प्यारे लाल जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए. हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं ऐसी से हूँ, मेरी एक जमीन है गांव के अंदर, मैं उसको बेचना चाहता हूँ जनरल में वो बीच मेरी एकल 7 बीघा. दिक्कत क्या, क्यों नहीं बेच पा रहे हैं आप? हाँ तो वो जनरल में तो बिक मेरी है, ऐसे में जो मशीन मिल रही है.
सवाल राजीव जी आपको समझ लेटर पार्ट नहीं समझ आया इनका, क्यों नहीं बेचने? एक बार सवाल प्यारे लाल जी अपना फिर से दोहराएं, आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही। मेरी जो कृषि भूमि है वो आबादी के अंदर आ गई, मेरे को पैसे भी मिली है आबादी के अंदर, शायद इनकी जमीन आ गई है जी। कह रहे हैं बेचना चाह रहे हैं लेकिन बिक नहीं पा रही है। देखिए वो तो आपका कोई अगर उसमें कोई डिस्प्यूट है किसी तरह का, किसी ने कब्जा कर लिया है या आपकी प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है, तो अगर आबादी में आ रही है और आपके कब्जे में है तो आप बेच सकते हैं, आपके नाम में खतौनी होगी, प्रॉपर रिकॉर्ड होगा उस जमीन का आपके नाम में, तो कोई अड़चन नहीं आना चाहिए। बाकी आपकी कोई क्लैरिटी नहीं है सवाल के अंदर कि किस तरह की प्रॉपर आपको रुकावट आ रही है या क्या डिस्प्यूट है, अगर वो होता तो ज़्यादा क्लैरिफाई हम कर पाते हैं। चले बिल्कुल, और बाकी आपसे प्यारे लाल जी अपील करेंगे, आपका जो भी ये दिक्कत है परेशानी है उससे जुड़े दस्तावेज आपके पास ज़रूर होंगे, आप उनकी एक कॉपी अगर हम तक पहुंचा देंगे तो निश्चित तौर पर उसका निरीक्षण करने के बाद क्या बेस्ट ऑप्शन आपको हो सकता है, किस तरह से कानूनी मदद आपको मिल सकती है, ये हम आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन अगर आपके सामने है और कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फोन लाइंस लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और विषय आज का हमारा वैकल्पिक विवाद समाधान से जुड़ा हुआ है कि आखिर क्या समाधान के तरीके हो सकते हैं। राजेश लाठीगरा जी भी लगातार जिस तरह से बारीकी से बता रहे हैं कि आखिर कैसे मामलों को ले जाया जाता है, कैसे उसका निस्तारण होता है। और सुरेंद्र सिंह एक और दर्शक सहारनपुर से जुड़ गए, उनका भी सवाल ले लेते हैं। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। याचिका डाल ने चाहते कि पुनः विचार के लिए क्या इसमें संशोधन हो सकता है? किस संबंध में? शिक्षा मित्र समागम के संबंध में। शिक्षा मित्र से जुड़े इनका भी मामला है, ये याचिका दाखिल करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस जानना चाह रहे हैं कि अगर आप केस डालना चाहते हैं तो आपको कंसर्न ज्यूरिडिक्शन में डालना चाहिए, जहाँ पर भी आपकी ज्यूरिडिक्शन लगती है वहाँ पर जो भी आपका ग्रीवेंस है वो प्रॉपर आप अपना ग्रीवेंस बना के आप कंसर्न जो भी आपकी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिस लेवल पे आपका जो ज्यूरिडिक्शन है आपके डिस्प्यूट का वहाँ पर आप लगाइए, प्रॉपर आपका जो भी जिस तरह का भी है आपको, क्योंकि आपके पूरा हमारे पास केस स्टडी नहीं है, आपके केस को स्टडी नहीं कर पाए तो हम इनिशियल तौर पे आपको ये बता सकते हैं कि आप अपना केस लगाएंगे तो आपको अगर रिलीफ मिलने लायक होगा, मेरिट्स पे आप स्ट्रांग होंगे तो जरूर रिलीफ मिलेगा आपको। चलिए बिल्कुल, उम्मीद करते हैं सुरेंद्र जी आपको अपने सवाल का वाजिब जवाब जरूर पहुँचा होगा। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विषय हमारा आज का वैकल्पिक विवाद के समाधान के तरीके क्या हो सकते हैं इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वैकल्पिक प्रावधान क्या है विवाद को सुलझाने के, जिस पर बारीकी से रोशनी डाल रहे हैं राजेश लाठीगरा जी। कितना ऑथेंटिक होता है, जैसा आपने अभी जिक्र किया था कि आगे चल के किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्या दिक्कत हो सकती है इस तरह के सेटलमेंट में? देखिए इस तरह के सेटलमेंट में जहाँ पर हम मीडिएशन की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि मीडिएशन का जो प्रोसेस होता है वो मीडिएटर के थ्रू होता है और उसमें एक सेटलमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि जब तक वो सेटलमेंट रिकॉर्ड होता है तो वो जुडिशियल परव्यू में नहीं होता। जब वो रिकॉर्ड होने के बाद जब कंसर्न कोर्ट में दोबारा वापस जाती है फाइल तो वहाँ पर स्टेटमेंट प्रॉपर रिकॉर्ड होती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद प्रॉपरली जुडिशली एक कानूनी तौर पे दोनों पार्टीज बाउंड होती है। अब जो सेटलमेंट हो गया उसमें कोई पार्टी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने नहीं जाती या कुछ बैक करती है तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है उसके अंदर, लेकिन क्योंकि साइन वगैरह उन्होंने कर दिए होते हैं तो वो इतने जल्दी बैक नहीं कर सकते, लेकिन उसमें फिर एक बार को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। दूसरा पहलू ये हो सकता है कि बाद में पार्टी कभी कोई ऐसा कोई पॉइंट आता है जिसके अंदर जो सब्जेक्ट मैटर डिसाइड किया गया उस सब्जेक्ट मैटर में वो पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं हो डिसाइड करने में, और वो एक त्रुटि रह गई हो या बताया ना गया हो या किसी वजह से रह गया हो तो उसमें कोई आगे जाके डिस्प्यूट हो सकता है, या फिर कोई मिसगाइड करके या मिसलीड करके कुछ फैक्ट्स को आगे लाया गया हो उसमें कुछ कराया गया हो उसमें आगे जाके कोई डिस्प्यूट हो सकता है। तो इस तरह के कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें बाद में भी कोई डिस्प्यूट पड़ सकता है, लेकिन वो परिस्थितियां वो सर्कमस्टांसेस बड़े रेयर होते हैं, वो सर्कमस्टांसेस नॉर्मली डील नहीं होते। ठीक है, एक और दर्शक अनिल कुमार हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं। अनिल बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी सवाल कीजिए। हेलो जी अनिल, आपकी आवाज मिल पा रही, सवाल कीजिए। सर मैंने जमीन लिया हो गांव में, मेरे भाई ने लिया है। वो सर अभी ना उससे केस चालू है, अपने नाम पे ना सब कुछ हो गया है सर। उसका चौवाली है जो अपना ट्रांसफर हो गया है नाम पे, लेकिन सर वो दिक्कत आ रही है अभी, वो जमीन मिल नहीं पा रही। राजेश जी
देखिए, आपने ज़मीन ली है गांव में, तो जो गांव की ज़मीन होती है उनको डील करने की जुरिडिक्शन जो होती है वो तहसील के अंदर होती है। तहसीलदार वगैरह पे इनके रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होते हैं वहाँ पर आपको सबसे पहला स्टेप होता है जो ज़मीन आपने खरीदी है उसकी दाखिल खारिज कराएँ। और अगर आपने उसकी दाखिल खारिज करा ली है और आपने नाम करा ली है, दाखिल खारिज आपकी जब भी होगी जब वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, जब वो म्यूटेशन आपकी हो गई है और खतौनी आपके नाम में ट्रांसफर हो गई है तो आप उसके प्रॉपर मालिक बन जाते हैं और आप खतौनी में आपका नाम चढ़ने से ही आप कब्जेदार माने जाते हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस लैंड के ऊपर, क्योंकि आपकी गाँव की जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड मामला है आपका। तो उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो नॉर्मली जो मैटर्स होते हैं, अगर पोजीशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या नपाई में प्रॉब्लम, डिमार्केशन में कोई प्रॉब्लम, तो वो तहसील के अंदर ही तहसीलदार वगैरह इस तरह के मैटर्स को डील करते हैं। पहले जो उनकी जुरिडिक्शन होती है वो रेवेन्यू कोर्ट की होती है, तो वहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन, अपना ग्रीवेंस लगा सकते हैं। अगर कोई आपको थोड़ी बहुत अड़चन आ रही है तो पहले आपको उनको अप्रोच करना चाहिए। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं अनिल जी आपका जो सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक ज़रूर पहुँचा होगा और राजेश जी ने जो तरीका आपको बताया है अगर उस रास्ते पर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर कानूनी सहायता आपको ज़रूर मिलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनिल आपका भी और राजेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और जो तमाम दर्शक जुड़े थे उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए। दरअसल कानून हर समस्या के समाधान के लिए सही प्रारूप में मौजूद होता है, लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव रहता है और इसी अभाव को दूर करने के लिए हम यहाँ पर रोज़ मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन APN न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।